ये जो क्वेश्चन है कई बार AI ट्रिपल ई जेई मेन और एडवांस के जो बहुत इजी वाले सवाल में से उन्हीं में से एक है। सबसे पहला काम हम लोग को क्वेश्चन को देखकर ये पता करना है कि भाई साहब ये किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, लीनियर है, होमोजीनियस है कि वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। अपने पास हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है जो अपने पास प्रॉब्लम में दी होती है। LCM, LCM बीटा LCM, सम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, इंटीग्रेशन सब लोगों को आता है, ठीक है, सब लोगों को आना चाहिए, तभी भैया एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंटीग्रेशन समझ रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों आ गए सभी लोग। आज हम लोग यहाँ पर फिर से ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर निशाना साधते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने पास कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर मेन है जो अपने को देखने हैं, जो कि अपने क्या है, हॉट टॉपिक्स है ना। आइए तो यहाँ पर हॉट टॉपिक्स की अगर बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने पास तीन तरह की मेनली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की और वेरिएबल सेपरेबल की, ठीक है। ये तीन तरह की प्रॉब्लम हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगी आपको जेई मेन के एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, स्क्रीन पर देखिए सब लोग और फटाफट लगाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। सबसे पहला काम हम लोग को क्वेश्चन को देखकर ये पता करना है कि भाई साहब ये किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, लीनियर है, होमोजीनियस है कि वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर अपने को क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले लिखो जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये लो इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब dy बाई dx निकाल लो, यहां पर dy बाई dx एक तरफ उसको उधर ले जाओगे अपॉन में x क्यूब। तो अपने को यहां पर ये दिखाई देने लगा, यहां से अलग अलग स्प्लिट कर दिया इसको, तो ये अपने पास आ जाएगा यहां पर प्लस y अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहां पर ये आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स क्यूब। अब ये देखकर आपको एक फॉर्म याद आनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है और q भी अपने पास x का फंक्शन है। देखिए यानी ये जो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, यहां पर इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, 1 अपॉन एक्स क्यूब, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन है। और इसको सॉल्व करने की अप्रोच आप लोगों को पता होगी कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, आई एफ इक्वल टू ई की पावर यहां पर जो पी है ना, यानी पी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इंटीग्रेशन अगर की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सब लोगों को आता है, ठीक है, सब लोगों को आना चाहिए, तभी भैया एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंटीग्रेशन समझ रहे हो। हाँ, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का 1 अपॉन में एक्स, ये अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, यहां पर अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, इसी में वैल्यू पुट करते हैं सारी, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस 1 बाय x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ यानी माइनस का 1 बाय x इंटू क्यू है अपॉन में कितना 1 अपॉन x क्यूब इंटू डी एक्स। बस अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अपने पास फंक्शन y पे एक फंक्शन मिल जाएगा। और एक चीज हम लोग को दी गई कि वाई ऑफ 1 बाई टू किसके इक्वल है, 3 माइनस ई के। हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है जो अपने पास प्रॉब्लम में दी होती है। यहां से हमें आर्बिट्री कांस्टेंट यानी सी की वैल्यू मिल जाएगी और उसका यूज करके प्रॉपर फंक्शन पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा, उसका यूज करके जो हमसे पूछा जा रहा है वाई ऑफ 1 उसकी वैल्यू अपन निकाल देंगे। बस इतना सी कहानी है, इसमें और कुछ नहीं है। आइए तो अपने पास क्या दिया गया है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भाई साहब, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए इंटीग्रेशन के। हाँ तो आइए ये आ जाएगा अपने पास ओके और 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ पर अपने क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा यूज करेंगे, माइनस 1 बाय एक्स को टी लेट कर लेंगे, यहाँ पर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब यहां पर पुट कर दो अगर आप, तो ये अपने पास आ जाएगा यहां पर, देखो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई, है ना, तो ये अपने पास et और एक x बच जाएगा, तो उसको अपन t लिख सकते हैं, बट माइनस बाहर आ जाएगा dt। अब देखो ये अपने पास आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होंगे, आईलेट आपको आता होगा, बस सिंपल काम, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसके अकॉर्डिंग आपको लेट करना है, एलजेब्रिक फंक्शन ये है, पहले आ गया, एक्सपोनेंशियल बाद में, बस काम हो गया यहां पर, देखो सिंपली, है ना। तो ये अपने पास टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी, फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया, फॉर्मूला, हाँ फटाफट सॉल्व करते जाइए, कमेंट में आंसर जरूर बताइए भाई साहब, कमेंट में आंसर जरूर टाइप करिए, अगर मेरे से पहले सॉल्व कर रहे हैं खटाक से आंसर बताइए, बिल्कुल कोई इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, ओके आओ। तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा कितना, देखो फिर इसका, देखो यहां पर डिफरेंशिएशन होगा, वन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर यही आ जाएगा सेम, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर e की पावर t आ जाएगा सेम, है ना, और यहां पर प्लस c एक आर्बिट्री कांस्टेंट और आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और यहां पर देखो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर t, ठीक है, और उसको t हमने लेट क्या किया था, माइनस का वन बाय x सीधे लिख दे रहे हैं अब यहां पर, ओके, और यहां पर ये माइनस अंदर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि t की वैल्यू वन बाय x हम यहां पुट करेंगे, तो वन बाय x इधर आ जाएगी और e की पावर माइनस वन बाय x प्लस यहां पर, है ना, c आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या दिया गया है, अपने को एक चीज दी गई कि y ऑफ 1 बाय 2 की वैल्यू अपने को दी गई है, ठीक है, आ जाओ अब यहां पर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा y की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी, ये 1, ठीक है, ये 1 बाय x और ये अपने पास c, और अपॉन में ये जाएगा e की पावर माइनस का 1 बाय x, ऊपर ले जाते हैं इसको तो प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर y ऑफ 1 बाय 2 है ना दिया गया है, और यहां से निकाल लो अपने पास कितना आ जाएगा 1, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 2 प्लस c, और ये e की 1 बाय 2 तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 3 माइनस e के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा 3 प्लस c e स्क्वायर 3 माइनस e, 3 से 3 कैंसिल और c की वैल्यू यहां आ जाएगी माइनस का 1 बाय e, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की वैल्यू अपने पास पता चल गई। तो यानी जो फंक्शन हुआ अपने पास वो क्या आ गया, वो अपने पास आ गया यहां से 1 प्लस 1 बाय x प्लस c की वैल्यू अपन यहां पर पुट कर देंगे माइनस का 1 बाय e और e की पावर 1 बाय x, ये अपने पास फंक्शन है। अब अपने को निकालना है y ऑफ 1, जहां जहां x है वहां वहां y पुट 1 पुट कर दो, ठीक है ना, तो ये देखो अपने पास आ जाएगा, और यहां पर 1 पुट करोगे तो ये e रह जाएगा और ये कैंसिल, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल, तो y ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा यहां पर, वो अपने पास 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये अपने पास सॉल्व हो गया इस तरीके से। बस अब देखो आंसर यहां पर अपने पास 1 होना चाहिए, मैच कर लो भाई साहब, अपने पास आंसर कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो यहां पर हमने देखा डिफरेंशियल है ना इक्वेशन, और कौन सी थी ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व किया है ना, किस तरीके से अप्रोच लगाया, ये आपने यहां पर सीख लिया होगा। आइए चलते हैं इसी तरह के, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने और फील लेनी है रियल जेई मेन की, तो हमारे पास भाई साहब एक AOTS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, तो यहां पर अपने पास आप फील ले सकते हैं, गेट द फील ऑफ रियल जेई मेन, ओके। यहां पर अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो अपने पास चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और यहां पर टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लाइव मेंटोरशिप सेशंस भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब बहुत तगड़ी ये टेस्ट सीरीज है, आपको जरूर इसमें एनरोल होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है, देखिए क्या बोला जा रहा है, लेट y इक्वल टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, और y इक्वल टू y x यहां पर बोला ओके सॉल्यूशन है, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 दे दिया गया है, देन 6y स्क्वायर ऑफ e इज इक्वल टू, है ना, ओके ठीक है, निकालें इसकी वैल्यू अपने को निकाल लेंगे। कैसे निकाला जाए, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानो है कौन सी, कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या अप्रोच यहां पर लगाई जाएगी, बस उतना ही सका मैं, बाकी खेला खत्म। ये लो कैसे करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका कि अपने को क्या करना है, dy बाय dx की फॉर्म में लाओ इसको सबसे पहले, तो अपन क्या करते हैं dy बाय dx इसको रीअरेंज कर दो, है ना, उधर ले जाओगे तो
ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव अपॉन में 3xy आ जाएगा। और आराम से इसको यहां पर स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट करोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, y अपॉन में x आ जाएगा माइनस, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, x अपॉन में 3y आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गया। अब ये अपने पास दिखाई पड़ने लगे होमोजीनियस है भाई साहब, होमोजीनियस है। होमोजीनियस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y इक्वल टू वी एक्स यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है ना, पहले सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये अपने पास आ जाएगा dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन में dx। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू पुट करो, जहां जहां y है वहां वहां आप क्या करो वी एक्स पुट कर दो। तो आइए, ये अपने पास dy by dx की वैल्यू अपने पास है v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, यहां पर y की वैल्यू पुट करोगे vx, तो नीचे से एक x कैंसिल, तो यहां पर अपने पास कितना बचेगा v बचेगा माइनस, और यहां नीचे पुट करोगे तो x अपॉन में अपने पास क्या बचेगा, यहां पर v बचेगा, x vx पुट करोगे तो x ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, ये देखो। ओके, तो अपने पास देखो यहां पर क्या मिलेगा, इधर देख लेते हैं, तो यहां से v भी अपने पास कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है यहां पर, तो अपने पास आ जाएगा x। ओके, और ये अपने पास आ जाएगा माइनस में वन बाय थ्री वी। ठीक है, वी को इधर ले आओ डीवी के साथ क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे, और यहां पर dx इधर ले जाओ, और माइनस का वन बाय थ्री बाहर, और ये x दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे अपने पास आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस का 1 बाय 3, और ये अपने पास ln x प्लस c आ जाएगा। देखो यही आएगा इसका 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, ठीक है ना, या log at base e, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक, ये आ गया अपने पास, और v स्क्वायर की वैल्यू y इक्वल टू हमने क्या लेट किया था vx, तो v की वैल्यू अपने पास y अपॉन x में आ जाएगी, तो ये अपने पास आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 ln x प्लस c, यहां पर इसका मल्टीप्लाई, तो सीधे सीधे वी स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 3 ln x प्लस 2x स्क्वायर इंटू सी। अब देखो वापस क्वेश्चन में चलो, बोला जा रहा है y ऑफ 1 इक्वल टू किसके है 1 के, यानी अगर इसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी कितना होगा 1 के इक्वल होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी इसका स्क्वायर, और ये देखो अपने पास ये कितना हो जाएगा स्क्वायर बाय 3, और ln 1, ln 1 0 होता है ये हमें पता है, ठीक है ना, और ये अपने पास स्क्वायर इंटू सी, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पर अपने पास c की वैल्यू अपने पास मिल जाएगी, देखो कितनी मिल जाएगी, ये पूरा 0, तो ये हो जाएगा 2c, c की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2, बस c की वैल्यू आ गई अपने पास, फंक्शन पता चल गया, तो ये देखो अपने पास फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 3 ln x, और यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर, और c अपने पास कितना है 1/2, यानी यहाँ पर 2 ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, तो अपने पास सीधे सीधे एक्स स्क्वायर रख दिया। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 6y स्क्वायर ऑफ e की, तो सबसे पहले जहां जहां x है वहां हम लोग e पुट कर देते हैं, ये लो। ठीक, अब यहां पर देखो ये ln e भाई अंदर भी e है और बेस में भी e है, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 2e स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस e स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो यहां पर LCM लोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, यहां पर देखो ये e स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। बस अब अपने को 6 और चाहिए, 6 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2e स्क्वायर। देखो सबका यही आ रहा है, कमेंट में बताओ भाई सबका यही आना चाहिए, है ना। देखो यहां पर ये अपने पास 2e स्क्वायर थर्ड ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड अपने पास यहां पर क्या है करेक्ट है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा किसका भाई साहब, होमोजीनियस का।
तो होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और होमोजीनियस क्यों था, क्योंकि यहां पर y अपॉन x में फंक्शन अपने को दिखने लगा था, इसलिए यहां पर अपने को क्या करना, होमोजीनियस का अप्रोच हमने फॉलो कर लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। देखिए लगाइए, देखो इस वाले क्वेश्चन में भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, साथ में लिमिट का भी यूज है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लिमिट का भी यूज, दो दो हाँ चैप्टर आपस में मिला दिए हैं, समझ रहे हो, तो दोनों आएगा तभी सॉल्व होगा, इसलिए भाई साहब इसलिए ये लेवल है। ओके आओ देखें यहां पर क्या हो रहा है, अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो देखो, सबसे पहले पहचानो किस तरीके से ये हो जाएगी, बताओ कमेंट बताओ किस तरीके से होगी भाई साहब, है ना, कौन सी इक्वेशन ये आपको लग रही है बताओ। लीनियर है, होमोजीनियस है, कि वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा काम। तो यहां पर हमने ध्यान से देखा तो अपने पास ये देखो, हाँ जी, तो भाई साहब ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगा कि ये अपने पास वेरिएबल सेपरेबल से बिल्कुल आसानी से हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, देखो दोनों टाइप इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा अपने पास ln y, और यहां पर इसको अलग अलग स्प्लिट करोगे तो ये 1 अपॉन x आएगा, ये 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहां पर ln x, ओके, और 1 अपॉन x स्क्वायर बचा, ठीक है ना, उसका करोगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस का, ठीक है, और ये प्लस c, ये हो गया। अब यहां पर y का फंक्शन हमें निकालना है, तो y इक्वल टू क्या होता है, जब यहां पर दोनों तरफ लॉग लगा, इधर लॉग लगा हुआ है तो y निकालना है, तो e की पावर में चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा ln x, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x, ओके, प्लस c। अब यहां से अपने को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालनी है, एक चीज दी गई है कि y ऑफ 1 किसके इक्वल है, e के इक्वल है, यानी जहां जहां x है वहां 1 पुट करोगे तो अपने पास वो किसके इक्वल होगा, e के। तो ये e इक्वल टू हमने क्या कर दिया यहां पर ln 1, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा ये, और ये प्लस c हो जाएगा। अब ln 1 तो भाई साहब अपने पास 0 होता है, तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, c माइनस 1, c माइनस 1, तो ये इधर भी पावर कितनी है 1, है ना, नीचे बेस दोनों के क्या है सेम है, तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 आ जाएगी। c की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर ली, तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं फंक्शन जो अपने पास होगा वो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू यहां पर e की पावर ln x माइनस 1 अपॉन x, ओके, और ये प्लस का यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये फंक्शन है। अब यहां पर बात कहानी खत्म नहीं हुई है, हाँ, अब बोल रहा है कि ये निकालो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ये निकालना है अपने को भाई, जहां f ऑफ x है यहां फंक्शन ही पुट करो सिंपली, तो ये हो गया e की पावर, दोनों क्वेश्चन मिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन लिमिट, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहां पर जीरो रखो ln 0 माइनस इंफिनिटी चला जाएगा भैया, माइनस इंफिनिटी है ना, ग्राफ देखो पॉजिटिव रख रहे हैं, माइनस इंफिनिटी जा रहा है, समझ रहे हो, लॉग का ग्राफ आना चाहिए, माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन में 0 वो भी और आगे माइनस लगा हुआ है, इंफिनिटी जाएगा माइनस इंफिनिटी, और ये अपने पास प्लस 2, माइनस इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो माइनस ही माइनस इंफिनिटी ही आएगा, तो अपने पास ये e की पावर माइनस इंफिनिटी की तरह आएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर यहां पर ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होना चाहिए, देख लो आंसर फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, समझ लो किस तरीके से हुआ, यानी इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल भी यूज हो गया और लिमिट भी यूज हो गई अपनी, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था। ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट देखो और करने की कोशिश करो भाई साहब, यहां पर क्या बोला जा रहा है, लेट y इक्वल टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, x ग्रेटर देन 1, y ऑफ 2 इक्वल टू 2, देन y ऑफ e इज इक्वल टू, ओके, हमें इसकी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। यहां पर अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है भाई साहब ध्यान से देखो, बिल्कुल बना बनाया सवाल यहां पर है, x ln x, ठीक है ना, एट बेस ई एस उसको मैंने लिख दिया ln dy by dx plus y equal to x square ln x, यहां पर ये जो है ना इससे डिवाइड कर दो भाई साहब, तो डिवाइड करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा y अपॉन में x ln x,
और यहां पर केवल बचेगा x, डिवाइड करोगे इससे। अब ये देखो भाई साहब, याद आ रहा है कुछ भैया? भैया dy by dx t into y equal to q, कौन सा फॉर्म? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालो फटाक से। क्या आ जाएगा यहां पर देखो, वो अपने पास आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन में है ना x ln x dx। ओके, अब यहां पर भाई ये कैसे करें, डर जाए ना, डरने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करना है और क्या। ln x को भाई साहब क्या कर लो, t लेट कर लो सिंपली। मैं बता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके बाकी आप करो है ना, बाकी आप करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बताते हैं क्या आ जाएगा। इसको t लेट करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा यहां पर 1 by x dx, और ये अपने पास आ जाएगा dt। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान दो, ये 1 by x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल, और ये अपने पास आ जाएगा देखो 1 by t, ln की वैल्यू, ln x की हमने क्या लेट करी, t, ये लो बन गया, और ये इसकी वैल्यू होती है ln t। ठीक है, अब ln t होती है तो यहां पर केवल कितना आ जाएगा t, क्योंकि भाई e की बेस पे ln है, कोई दिक्कत नहीं, टी आ जाएगा, और टी कितना लेट किया था, ln x कर दिया था, तो यानी इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है अपने पास वो कितना आ गया, ln x आ गया, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाकी का काम आप लोग जानते हैं, आगे क्या करना है अपने को, यहां पर सिंपली y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx, बस इसमें वैल्यू पुट करो और आपका आंसर यहां पर मिल जाएगा। आंसर देख लो, यहां पर पहले सॉल्व करो, आंसर बाद में देखना, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, हाँ फिर बाद में देखना, आओ। तो आंसर अपने पास फर्स्ट आएगा यहां पर, कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो सवाल को पहचानना है यहां पर, किस तरीके से अपने को अप्रोच लगानी है, किस तरीके का ये क्वेश्चन है ना, लीनियर का है कि अपने पास होमोजीनियस का है। ठीक है, तो ये अपने पास हमने फिर से देख लिया किसका, लीनियर का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, आओ। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन ध्यान से देखा, पहचानने की कोशिश करी कि ऊपर ऊपर से पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। इफ y इक्वल टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई साहब सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि y भी केवल सिंगल है ना, और ये फॉर्म अपने पास सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि यही फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक y बहुत आराम से यूज हुआ है ना, और जो p है वो भी x का फंक्शन है, और जो q है वो भी अपने पास x का फंक्शन है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहां पर यूज होना ही है। और ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये जो क्वेश्चन है कई बार AI ट्रिपल ई जेई मेन और एडवांस के जो बहुत इजी वाले सवाल में से उन्हीं में से एक है, समझ रहे हो। तो निमिष सर ने जो अपने प्रीवियस वीडियो में गॉड लेवल स्ट्रेटेजी बनाई थी ना, क्या बोला था कि जो जेई एडवांस के PYQs होते हैं इजी वाले वो जरूर लगा लेना, तो भाई साहब ये वही है, समझ रहे हो। हाँ, तो आइए देखते फिर इसको क्या बोला जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले पता तो अपने को चल गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सीधा सीधा काम करेंगे, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन निकाल लेते हैं। बट इस प्रॉब्लम में लोग फंसते हैं, कहां फंसते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, आइए बताते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा टेन एक्स डी एक्स है ना, पी की वैल्यू कितनी है, टेन एक्स है, तो ये अपने पास आ जाएगा एल एन सेक एक्स। भैया इंटीग्रेट फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के, तभी आप कर पाओगे, हाँ उसमें कोई लापरवाही नहीं, सीधे सीधे कितना आ जाएगा, sec x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अपने क्या करेंगे, सीधे सीधे यूज करेंगे, तो ये अपने पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है अपने पास क्या आ जाएगा यहां पर देखो, y into sec x और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x और यहां पर x into sec x dx, बस इसको सॉल्व कर लो, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यहां पर यूज हो रहा है, x into sec स्क्वायर x dx, ठीक है ना, वही सिंपल अपने पास आईलेट इसका यूज करना है ना, एलजेब्रिक उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, याद रखो भाई। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, y into sec x और ये अपने पास आ जाएगा x into sec स्क्वायर x dx माइनस यहां पर क्या हो जाएगा dy by dx x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx फिर यहां पर होल dx। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे यहां पर तो y इक्वल टू y इंटू sec x और ये अपने पास आ जाएगा x इंटू टेन एक्स माइनस ये अपने पास 1 आ जाएगा फिर ये अपने पास टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेन एक्स फिर उसका करोगे तो ये अपने पास ln sec x आ जाएगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा, ये अपने पास आ गया। ओके, अब यहां पर अपन क्या करेंगे, दिया क्या गया है कि y ऑफ
जीरो इक्वल टू किसके, वन के, यानी जहां जहां एक्स है वहां जीरो पुट करेंगे, वाई की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, वन आएगी। तो वाई की वैल्यू वन आ गई, सेक जीरो की वैल्यू भी जीरो ही होती है, और टेन जीरो और एक्स जीरो यहां पर, ये पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां पर सेक के अंदर जीरो डालेंगे, ठीक है, तो वन आएगा, बट एल एन वन कितना होता है, वो जीरो होता है। तो यहां पर सी की वैल्यू सीधे सीधे अपने पास कितनी मिल गई, वन मिल गई, सी की वैल्यू अपने पास वन मिल गई। ओके, अब हमें क्या निकालना है, y ऑफ पाई बाय सिक्स निकालना है। ओके, तो आइए देखते हैं, अपने पास जो फंक्शन मिला y का वो क्या हो गया, y इंटू में अपने देख लेते हैं, y इंटू में है sec x इक्वल टू x tan x, ओके, x tan x, ओके, और ये अपने पास कितना है, माइनस ln sec x, और c की वैल्यू अपने पास हमने क्या निकाल ली है, यहाँ पर देख लो, c की वैल्यू निकाल ली वन प्लस वन। अब यहाँ पर अपने को y ऑफ पाई बाय सिक्स निकालना है, बस सिंपली कर दो, क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाय सिक्स पुट कर दो, और ये पाई बाय सिक्स x की जगह, और टेन इंटू पाई बाय सिक्स ln sec पाई बाय सिक्स, और ये प्लस वन। अब यहाँ पर पाई बाय सिक्स यानी कितना, 30, और sec 30 की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, अपने पास 2 अपॉन में रूट 3, वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई, पाई बाय सिक्स, और ये अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, और ये अपने पास ln की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं अगर सम में, तो y इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा पाई बाय 12 आ जाएगा, माइनस रूट 3 बाय 2 एल एन 2 बाय रूट 3, और ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 बाय 2, बस ये अपने पास। अब यहाँ से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई बाय 12 माइनस का रूट 3 बाय 2 कॉमन ले लिया, और एल एन 2 बाय रूट 3, और ये अपने पास माइनस का 1 बचा, समझ रहे हो, ये अपने पास y का आगे, ठीक है, y ऑफ पाई बाय 6। अब यहाँ पर आंसर अगर हम लोग ध्यान से देखो, आंसर में तो कहीं यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, e अलग से आ रहा है, तो कैसे ये e आ रहा है ना, तो आइए वो भी बताते हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पर ये जो 1 है भाई, आंसर में अपने e आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो 1 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ln e लिख सकते हैं भाई, इसका सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और अपने को एक वैल्यू और पता है, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन में b, बेस क्या होना चाहिए, बस सेम होना चाहिए, बेस सेम है, यानी इसको हम लोग और लिख सकते हैं, y इक्वल टू पाई बाय 12 माइनस रूट 3 बाय 2, और ये अपने पास क्या हो गया, ln और 2 अपॉन में रूट 3 e, ये लो। अब देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन यहां पर है, देखो तो यहां पर अपने पास 2 अपॉन में रूट 3 ई, फर्स्ट वाला ही अपने को सही लग रहा है, ठीक है ना, हाँ, प्लस है इधर, प्लस है इधर, प्लस है इधर, माइनस यहां पे ऊपर ना, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर देखना पड़ेगा आंसर किस हिसाब से ये बता रहा है, उस हिसाब से अपने को चेंजेस भी यहां पर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्रीवियस AOTS का क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्या बोला जा रहा है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल टू y x एट एनी पॉइंट x कॉमा y इज डी 2y अपॉन x स्क्वायर इफ द कर्व पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, समझ रहे हो, कोनिक भी आ गया, हाँ यहां पर सर्कल से पास हो रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, देन इट्स इक्वेशन, हमें इक्वेशन बतानी, आओ। तो यहां पर एक बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्या, कि अगर स्लोप की बात करी गई है, स्लोप दी गई है अपने पास कितनी, इधर से किधर से क्वेश्चन को उठाया गया है, समझ रहे हो, यहां से उठेगा ये क्वेश्चन, स्लोप यानी हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू किसके है, 2y और ये अपॉन एक्स स्क्वायर के। अब भाई साहब आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये अपॉन में y चला जाएगा, और 2 इंटू ये dx हो गया, और ये x स्क्वायर,
ठीक, इसको सॉल्व किया, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा ln y, और ये अपने पास देखो सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/ में x आ जाएगा, और ये प्लस c, एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया, ये इक्वेशन है, ठीक है। बट अभी काम नहीं होगा, c की वैल्यू अपने को निकालनी है यहाँ पर। c की वैल्यू कैसे आएगी, क्या बोला गया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोला जा रहा है कर्व पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब इस सर्किल का सेंटर आप लोग जानते हैं क्या होगा, निकालो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, इसका सेंटर अपने पास निकलेगा 1,1। कैसे निकलेगा भाई साहब, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल याद है कि नहीं याद है, उससे कंपेयर कर दो, सेंटर का अपने पास अपने को पता होता है, बस निकाल लिया सीधे 1,1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर पुट कर दो तो ln y की जगह भी आपको पास करें, यानी ये x की वैल्यू है और ये वाली अपने पास y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू 1 भाई साहब, और यहाँ माइनस 2 अपॉन में x की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस c, और ये देखो ln 1 0 होता है तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास 2 आ जाएगी, c की वैल्यू 2 आ गई भाई साहब, बस अपने पास कर्व मिल गया सिंपली, यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा LCM LCM बीटा LCM सम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, ये हो गया माइनस का 2 अपॉन में x, इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 ये अपने पास बना, देखो मिलाओ ऑप्शन में, कहीं ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है x इंटू ln y, मेरे को ये दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया किस तरीके से हुआ भाई साहब। तो यहाँ पर हम लोग ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो दो या तीन टॉपिक्स को आपस में मर्ज करने पर बन रहे हैं, सीधे सीधे भी आ रहे हैं है ना, बट वो लंबे हो रहे हैं, ये भी बन रहा है, तो यहाँ पर वो लेवल चेक कर रहे हैं कि आप इंटरकनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके आइए नेक्स्ट देखो, हाँ जी नेक्स्ट भी भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखते ही, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां पर मुझे ये देखते ही पता चल रहा है कि भाई साहब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, और आप लोग इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही मक्खन सवाल है, आसानी से कर सकते हो, देखो ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये अपने पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है यहां पर कंपेयरिंग करनी है और यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है और सॉल्व करेंगे, आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सॉल्व करिए सब लोग, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए और आंसर बताइए मेरे को कमेंट में, आंसर बताइए, जी हाँ ठीक है। और यहां देखो अपने पास इसका आंसर मैं बता देता हूं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सब लोग चेक कर लो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो और लगाओ फटाफट फटाफट, ओके समझ में आया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ वैल्यू ऑफ y इज 1 है ना, अब की बार सीधे वैसे नहीं लिखा देंगे, देखो ऐसे भी तो लिख सकते थे इस तरीके से, क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ y इज 1 व्हेन x इक्वल टू 1, समझ रहे हो, देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 2, ये चीज हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी जब y इक्वल टू अपने पास क्या है 2 है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखी यहां पर क्या थी, y स्क्वायर dx प्लस x माइनस 1 अपॉन y dy, अब नहीं समझ में आ रही है तो क्या करें, dy बाय dx के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करो, समझ रहे हो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी देखो ये अपने पास यहां पर माइनस हो गया और ये एक्स वाई ठीक माइनस और यहां पे वाई एक ऊपर चला जाएगा, ये अपने पास आ गए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस का वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई माइनस वन, अभी भी नहीं समझ में आया, बट मेरे को एक चीज यहां पर समझ में आ रही है कि ये वाई में नहीं, इसको एक्स में जरा हम लोग लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डी एक्स अपॉन डी वाई करते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई क्यूब, यहां पर अब इधर डिवाइड करोगे तो ये एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है भाई साहब, समझ रहे हो, एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, कैसे देखो यहां पर चलो इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई,
तो यानी वाई में बने या एक्स में बने अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इंटू एक्स और ये अपॉन में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और इक्वल टू वन अपॉन वाई क्यूब। और फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही बनी थी, बट जहां एक्स था वहां वाई हो गया है और जहां वाई वहां एक्स हो गया है, सेम डिफरेंशियल लीनियर, यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, p इंटू एक्स। अब की बार ये जो पी एफ किसका फंक्शन हो गया, y का फंक्शन है, और यहां पर जो q है ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, बस और कुछ नहीं है, सिंपली सॉल्व करेंगे और यहां पर आपको आंसर अपने को देखने को मिल जाएगा कितना, b ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहां पर गेम चेंजिंग क्या था कि आपको y की जगह x में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल सकती है, ये गेम था इसमें, केवल और केवल आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसानी से यहां पर आंसर बता सकते हो। ओके, चलिए सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताना, पूरा पूरा सॉल्व करना है सारे बच्चों को, तभी इस सीरीज का फायदा मिलेगा यार, है ना, सॉल्व ही नहीं करोगे कैसे फायदा मिलेगा, ठीक है ना, खुद से सॉल्व करना है। ओके आइए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या अप्रोच क्या लगेगी भाई, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, अभी देखो समझ में आएगा क्या होगा, क्या दिया गया है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमने बोला कुछ इधर उधर नहीं हो रहा है, कुछ सेपरेबल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमने क्या किया एक्स माइनस वाई को टीलेट कर लिया, डिफरेंशिएट किया, तो ये वन और ये आ जाएगा डीवाई बाय डीएक्स, ठीक है, और ये डीटी बाय डीएक्स, ठीक है। अब यहां से डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू अपने ने निकाल ली, वो आ जाएगी 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ गई, पुट कर दी वैल्यू जो अपने पास ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई को क्या लेट किया है टी, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ये अपने पास ओके इस साइड ले आए और डी टी अपॉन डी एक्स इस साइड ले आए, ठीक है। अब 1 माइनस टी स्क्वायर को डी टी के नीचे ले गए और डी एक्स को इधर अकेले और इसको 1 माइनस टी स्क्वायर, बस अब ये वाला फॉर्मूला याद करो इंटीग्रेशन का है भाई साहब, सिंपल इसका क्या हो जाएगा, यहां पर इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं तो ये अपने पास आ जाएगा 1 बाय 2 एल एन 1 प्लस टी और 1 माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब जहां जहां यहां पर टी है वहां हम लोग क्या पुट करेंगे एक्स माइनस वाई पुट कर देंगे सिंपली, तो 1 बाय 2 एल एन 1 प्लस टी यानी एक्स माइनस वाई और यहां पर 1 माइनस टी यानी 1 ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू किसके, यहां पर देखो इक्वल टू एक्स प्लस सी के, एक्स प्लस सी के। अब यहां पर एक चीज दी गई है कि y ऑफ 1 इक्वल टू किसके 1 के, बस इसी का यूज अपन करेंगे, देखो क्या कर दिया यहां पे, ये अपने पास 1 बाय 2 एल एन c की वैल्यू अपने को बेसिकली फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह 1 डाला तो y भी कितना हो जाएगा 1 और ये देखो ये भी 1 और ये 1 प्लस c, और यहां पर अपने को क्या मिल गया ये 1 से 1 ये भी 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, तो ये 1 और ln 1 0 होता है तो c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई माइनस का 1, यानी अब यहां पर c की वैल्यू अपने ने पुट कर दी 1 प्लस एक्स माइनस वाई और ये 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये 2 जो इधर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ऑप्शंस में यहां पर चेक कर लो 2x माइनस 1, पहली बात तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, और यहां पर अपने पास माइनस आ रहा है, इस ऑप्शन में माइनस आ रहा है तो ये माइनस 1 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये पलट के लिख जाएगा, तो सेम यही चीज आ जाएगी, सेम यही चीज, यानी आंसर में भी देखना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो किस तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर अगर माइनस का आप मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा होकर लिख जाएगा, सेम यही चीज यहां पर लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको अपने ने सॉल्व करना था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए,
लास्ट है अपने पास. ओके क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बोला जा रहा है इफ अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ओके पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया 1, 2 इन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ओके ओके देन एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू अपने को यहाँ पर निकाल ली. कैसे करेंगे इसको, तो अपने पास 2x² dy और ये 2xy + y² dx दिया गया. अब यहां पर अपने क्या करना है, dy/dx सिंपली किया और y² / 2x² ठीक है. स्प्लिट करके अगर आप देखना चाहो तो स्प्लिट करके भी आप देख सकते हो कि कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है. तो ये अपने पास यहां पर आ जाएगा y/x आ जाएगा और ये अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर अगर आप करोगे तो y² / 2x² ठीक है. अब y/x आ गया तो सिंपली अपने को पता चल गया कि भाई साहब ये तो अपना होमोजीनियस है, उसी से सॉल्व होगा. तो y = हमने क्या लेट कर लिया, vx लेट कर लिया और इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो अपने पास v + x (dy/dx) सिंपल वैल्यू यहां पर पुट करी v + x (dy/dx) है ना. इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको तुरंत पता चल जाए ठीक है. और यहां पर y की जगह आप क्या पुट करोगे, vx पुट करोगे तो यह x नीचे से कट जाएगा तो v बचेगा, प्लस y² की जगह आप क्या पुट करोगे, v² x² तो x² यहां पे कट जाएगा. तो ये देखो अपने पास क्या आ जाएगा यहां पर, देखो 2 तो यहां पर ये देखो v से v अपने पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और ये x dv/dx = v² / 2 हो गया. और इसको इस साइड ले आए, v² को इंटीग्रेशन लगा दिया 1/2 इंटीग्रेशन dx को इधर ले आए, बस सिंपली सॉल्व कर लिया. और यहां पर देखो अपने पास ये करोगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का, ऊपर जाएगा ना माइनस का 2 वी की पावर -2 है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस का 1/v और ये अपने पास इक्वल टू किसके हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा ln 1/2 ln x के प्लस सी. अब सी की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास दिया गया है कि 1, 2 से ये पास होता है, यानी x की वैल्यू 1 डालोगे तो 2, y कितना मिलेगा 2 मिलेगा. इस पॉइंट का यही मतलब है भाई साहब, है ना, थोड़ा रिलेट करो. तो यहाँ पहले तो y और x लाओ, v की जगह y x लाओगे तो v की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, y/x ओके. तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा माइनस का x/y = 1/2 ln x + c. यहाँ पर x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 2 आ जाएगा ओके. = 1/2 और ln 1 + c, ln 1 0 होता है तो c की वैल्यू -1/2 आ जाएगी. बस सिंपली अपने पास इक्वेशन मिल गई ये वाली, इसमें c की वैल्यू आप पुट कर दो केवल यहाँ पर देखो. हाँ जी, माइनस का x/v = 1/2 ln x, c की वैल्यू अपने ने जो निकाली है -1/2. अब देखो अपने को क्या निकालना है, f(1/2) निकालना है ठीक है. f(1/2) यानी जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है. इधर पुट करोगे माइनस का ये आ जाएगा 2y और ये अपने पास आ जाएगा ln और ये अपने पास 1/2 और माइनस का 1/2 ठीक है. 1/2 यहां पर क्या कर लो, कॉमन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा. तो ये अपने पास माइनस का 1/y आ जाएगा, y ही अपने पास फंक्शन है ठीक है. और ये अपने पास कितना आ जाएगा, इसी की वैल्यू निकालनी है और ये ln 1/2 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा ठीक. अब यहाँ पर 1/y माइनस का इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस का ln हो गया और 1/2 प्लस का 1 हो गया. और ये अपने पास अगर इसको अपने को क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये अपने पास चला जाएगा, एक में माइनस को उधर करो तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये ln 2 हो गया और ये अपने पास यहाँ पर प्लस का 1 तो 1/y में ठीक है. तो y की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 1/ln 2 + 1 आ जाएगी. देख लो यहाँ पर ln 2 यानी log(2)(e), ऑप्शन ए इज द करेक्ट और यहाँ देखो ए इज द करेक्ट आंसर. तो यहां पर आज हमने पूरी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लिया, समझ लिया, सारे क्वेश्चंस लगभग जो अपने पास कोर्स में होते हैं सब कवर यहां पर कर लिया है. तो ऐसे ही लगातार यहां पर प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।